सब्सक्राइब करें एमजे जीन्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमजे जीन्स चैनल। और आज का जो वीडियो है वो दो लोगों के लिए है, दो टाइप के लोगों के लिए है। एक वो जो मुझसे डील करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को डर लगता है कि हम पहले पेमेंट कैसे करें, अगर हमें माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सर्विस जो है ये उन्हीं कस्टमर्स के लिए स्टार्ट करी गई है और सभी कस्टमर्स के लिए स्टार्ट करी गई है, जिसमें आप माल पहले मंगवा सकते हैं और आपको पेमेंट बाद में करना है जब आपको माल मिल जाए ट्रांसपोर्ट पे एज ए डीडी फॉर्म में। तो और ये उन लोगों के लिए बहुत काम का वीडियो है जो कि नया नया अभी अपना होलसेल बिजनेस जिन लोगों ने स्टार्ट किया है और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम बाहर माल भेजें तो कस्टमर बहुत बार पैसे नहीं डालता है तो क्योंकि उसको डर रहता है। तो किस तरह से अपना माल हम इस तरह से भेजें कि माल कस्टमर को मिले, उसके बाद उनका पेमेंट भी उनके पास बिल्कुल 100% उन्हें मिल जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस कौन से ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है, और मैं भी इस ट्रांसपोर्ट पे बहुत बार माल भेजा है और आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप भी इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और इस ट्रांसपोर्ट के बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके शहर में कहाँ है वो ट्रांसपोर्ट और क्या उसका प्रोसेस रहेगा वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी मैं वीडियो में भी आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मैं अंकित जोशी आप लोगों का एमजे जी चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, जैसे कि आपके सामने कुछ ब्रोशर रखे हुए हैं, तो ये है वो ट्रांसपोर्ट, वीआरएल ट्रांसपोर्ट इसे बोलते हैं, वीआरएल ट्रांसपोर्ट। और ये बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट है, आपको मतलब इंडिया के कुछ सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट में ये ट्रांसपोर्ट आता है। इसकी आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है 23 स्टेट 4 यूनियन टेरिटरीज और 1000 प्लस ब्रांचेज हैं और फ्रेंचाइजी करीबन 4400 से ज़्यादा हैं इनके पास। तो आप इस ट्रांसपोर्ट को अपने शहर में सर्च करिएगा तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा, गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाता है। आप अपने गूगल पे लिखेंगे वीआरएल ट्रांसपोर्ट नियर मी तो आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा। तो इस ट्रांसपोर्ट में खासियत ये है कि आप इससे वैसे तो आप ट्रांसपोर्ट कर ही सकते हैं जो कि आप करते हैं, और प्लस उसके अलावा आप इसमें DOD सर्विस भी कर सकते हो और COD सर्विस भी कर सकते हो। DOD में पहले बताऊंगा, जिसमें उसको बोलते हैं DD ऑन डिमांड, जिसमें आप ये होगा कि आपने मटेरियल भेज दिया और बिल भेज दिया और उस पर लिख दिया कि हमें इसको DD फॉर्म में भेजना है। तो जब कस्टमर को माल मिलेगा वहाँ पर तो वो माल वहाँ से रिसीव करेगा इनके ऑफिस से और उसके बाद वो अपना आपके फर्म के नाम पे DD दे देगा। अगर आपका कस्टमर पुराना है और आप उसको जानते हैं तो उससे COD भी ले सकते हैं, जिसमें वो चेक के द्वारा आपको पेमेंट कर देगा और आप उसके बाद अपना चेक क्लियर कर दे। तो ये सब प्रोसेस में करीबन 10-12 दिन लगता है, क्योंकि आपका माल पहुंचता है 6-7 दिन में, 6-7 दिन में आपका पास DD आता है। लेकिन इसमें ये श्योरिटी रहती है, कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड रहता है कि उसका मटेरियल उसको 100% मिलेगा और आप भी श्योर 100% रहेंगे कि आपका भी पैसा जो है वो कहीं नहीं जाएगा। पूरे ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी रहती है आपका पैसा आप तक पहुँचाने का। तो वीडियो में जैसे मैं आगे बताऊँगा कि इसमें आप जब देखेंगे कि इसमें जो इनका नेटवर्क है ये कितना बड़ा नेटवर्क है, जैसे मैं आप वीडियो में कैमरे में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। तो जैसे कि मोस्टली और इसका खासकर की जो कर्नाटका साइड है इसका बहुत ही अच्छा काम होता है। कर्नाटका में आप देखेंगे कि इन लोगों ने जो छोटे छोटे गांव कस्बे तक में इन लोगों ने पूरा इसको अपना जो नेटवर्क है वो पहुँचाया है। और जैसे कि मेरा आप जैसे बताते हैं बहुत से लोग, पहली बात तो मैं आपको वीडियो में शुरू में ही बता देता हूँ कि मैं जैसे कि मध्य प्रदेश में हूँ तो हमारा जैसे ब्रांच ऑफिस जो है वो आप ये देख पा रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल में मेरा ब्रांच ऑफिस है। तो ये इसमें आप जो दिख रहे हैं MP BPL तो ये हमारा है, तो इसमें मैंने इससे मतलब यहाँ से मैं भेजता हूँ। तो मैं जितने आपको इसमें सिटीज़ दिख रहे हैं, अभी आपको वीडियो में शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन जितना आपको इसमें दिख रहा है मैं सभी पर मटेरियल पहुँचा सकता हूँ। और करीब करीब चाहे आप देख लीजिए इसमें आंध्र प्रदेश हो, चाहे आप देखें आसाम हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, गोवा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, आपका केरला और महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश तो है ही हमारे पास, प्लस पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज़ में भी जिसमें आती हैं गोवा वगैरह, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, सभी जगह पे इन लोगों का जो प्राइम सिटीज़ है, जैसे आप किसी बंदे को जम्मू कश्मीर पे मैंने जैसे लास्ट टाइम इधर से माल भेजा था तो आप देख पा रहे हैं जम्मू में इसका है और श्रीनगर में भी इनका एक बेस है। तो आप माल जब भेजें तो अपने बहुत से लोग बड़ी सिटी से कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ से वो अपने पास ले जा सकते हैं, बहुत ही ईजीली उनको पड़ता है।
और इसमें जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं तो ये बीओ बीओ जो आप देख रहे हैं, जो आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट फोकस करके, ये जो बीओ देख रहे हैं ये बुकिंग ऑफिस है, जिससे इसमें आप शुरू में ही आप देखेंगे तो इन लोगों ने नीचे इसको स्पेसिफाई किया है, बीओ मतलब बुकिंग ऑफिस, डीओ मतलब डिलीवरी ऑफिस। डिलीवरी ऑफिस जहाँ होता है वहाँ सिर्फ डिलीवरी होती है, वहाँ सिर्फ बुकिंग नहीं होती, ठीक है। और इसमें बीबीटी मतलब बुकिंग, डिलीवरी, ट्रांसशिपमेंट, तीनों चीज़ें हो जाती है। तो इसमें आपको जो रहेगा, इसमें आपको सिंपल ये करना है, जो कस्टमर मेरे साथ भी जो मटेरियल लेना चाह रहे हैं उसमें ये करना है कि अगर आपकी सिटी जो ये इतनी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ उनमें है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली मुझसे माल का ऑर्डर करिए, और जैसे कि आप, मैंने मान के चलिए किसी को भेजा यहाँ से आंध्र प्रदेश में चित्तौर भेजा, तो उसमें क्या होगा कि मेरा मटेरियल यहाँ से चला जाएगा चित्तौर में, जो कस्टमर है वो जब वहाँ उसको मिलेगा तो उसको डीडी बना के देना पड़ेगा। डीडी वैसे सेफ रहेगा, क्योंकि अगर आप जैसे जिस तरह से कस्टमर आपको नहीं जानता उसी तरह आप भी कस्टमर को बहुत बार नहीं जानते हैं, तो उसमें ये रहेगा कि आप दोनों सेफ रहेंगे। जब कस्टमर को वहाँ माल मिल जाएगा उसकी डेस्टिनेशन पे, तो वो आपको डीडी दे देगा, तो डीडी आपके पास 100% आपको श्योर रहेगा कि आपका पेमेंट क्लियर होगा। और चेक भी ठीक है, लेकिन उसमें आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप कस्टमर को जानते हो पहले से, क्योंकि कभी कभी चेक बाउंस हो जाता है और उसके बाद फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। तो जो कस्टमर अब मेरे साथ भी माल लेना चाहते हैं, अगर आपका उनका इन सिटीज़ में मटेरियल है, मतलब आपको मटेरियल लेना है इन सिटीज़ में जो इसमें दिए हो गए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी सिटी में वीआरएल है, आप देख लीजिए, तो आप मुझसे माल मंगवाइए। और जो होलसेलर भी जो माल भेजना चाहते हैं वो इजीली भेज सकते हैं, तो उसमें आपको पेमेंट पहले करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेमेंट जब एट द टाइम ऑफ माल जब आपको मिलेगा तो आपको करना है। हाँ, एक पॉइंट आपको मैं ज़रूर इसमें बता दूँ कि जैसे कि मैं अपने करता हूँ, बाकी आप लोग जैसे जो इससे बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हो, मैं इसमें करता हूँ कि जो भी मुझसे माल मंगवाता है तो मैं टोटल बिल का 10% उससे लेता हूँ एडवांस में, क्योंकि मेरे को भी इंश्योरिटी रहती है क्योंकि यहाँ से माल जाना, और कभी कभार ये होता है कि कस्टमर वहाँ लेने नहीं आया, मान लीजिए कि कस्टमर वहाँ पे गया, आपने माल यहाँ से भेज दिया और कस्टमर वहाँ लेने ही नहीं आया, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको आने जाने का पूरा शिपमेंट लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 10% एडवांस ले लें अपने कस्टमर से। अगर कोई 50,000 का माल मंगवा रहा है तो आपसे 5,000 रुपये देने में उसको कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, और आप उसको उसके बाद यहाँ से डीओडी जो बची हुई 45,000 की वो आप कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे बची हुई रेस्ट की डीडी आपको बना के दे देगा, और वो बिल पे ही मैंशन हो जाएगा कि इनने 5,000 एडवांस दिया है और 45,000 का डीडी देना है, तो आपको डीडी 45,000 की बना के दे देगा। तो अब जिसको भी मेरे साथ डील करना है उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई डर की बात नहीं है, वो इजीली मटेरियल मंगवा सकता है। ये इतनी डेस्टिनेशंस जो आपको दिख रही हैं, और इसमें आप मतलब जो बड़ी स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, इसमें तो ऑलमोस्ट उनने सभी बड़ी सिटीज़ का मतलब टच में किया हुआ है, और प्लस जो छोटी सिटीज जहाँ पे नहीं है, तो आप इजीली जो भी आसपास आपके बड़ा शहर है वहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट से अपना माल बाद में मंगवा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, और उन लोगों से शेयर ज़रूर करिए जो इस चीज़ के लिए बहुत परेशान होते हैं कि जिनको अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट बेस्ट है। इसके लिए मैंने मतलब आप मान के चलिए मैं आज 5 साल से इस ट्रांसपोर्ट से काम कर रहा हूँ, और मुझे 0.1% भी कभी दिक्कत नहीं हुई, पूरा कंप्यूटराइज काम होता है, जीपीएस में इनमें सिस्टम पूरा काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आने वाले वीडियोस में आपको और आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।